नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं ENTV। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। वर्तमान में पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है और आए दिन पूरे देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों के चलते करसोग नगर पंचायत और प्रशासन ने वायरस के प्रभाव के खात्मे के लिए पूरी नगर पंचायत करसोग को सैनिटाइज किया। वर्तमान में पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है। आए दिनों पूरे देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामले चिंता का विषय बन गए हैं, जिसके चलते करसोग नगर पंचायत और प्रशासन ने इस वायरस के प्रभाव के खात्मे के लिए पूरे नगर पंचायत करसोग को सैनिटाइज किया। ये गाड़ी नगर पंचायत करसोग के मुख्य द्वार से होते हुए पुराना बाजार सहित बरल ममेर तक पूरे बाजार को सैनिटाइज करते हुए निकली। बताते चलें कि पिछले दिनों में लिए गए सैंपलों में 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति पांगना क्षेत्र से जो कि पेशे से सैनिक और दूसरा व्यक्ति जो दूसरे राज्य से आया था और करसोग के एक निजी होटल में रुका था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हालांकि उन्हें कोविड केयर सेंटर मंडी शिफ्ट किया जा चुका है। नगर पंचायत करसोग के पार्षद बंसीलाल कौंडल ने कहा कि नगर पंचायत ने प्रशासन से अपील की थी कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पूरे बाजार को सैनिटाइज किया जा सके। 1, 2, 3 डन। नमस्कार, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि करसोग में भी कोरोना जैसी महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है और अभी फिलहाल 4-5 केस अभी तुरंत ही करसोग में आ गए और इसमें प्रशासन की मैं बहुत बड़ी ढील मानता हूँ, क्योंकि हमने बार बार प्रशासन को और सरकार को जताया कि और हम क्या नाम आपके ज्ञापन के माध्यम से हमने बार बार मुख्यमंत्री और को जताया कि आप करसोग के लिए कुछ मतलब जो कोरोना सीमा हमारी करसोग में ना फैले, इसके लिए हमने बार बार अवगत कराया। परंतु ये जितनी भी उनकी गाइडलाइन थी सारी इन्होंने इसका अवहेलना की है। हमने कहा था कि भी जितने भी हमारे बॉर्डर हैं या जो बाहर से लोग आते हैं उनकी प्रॉपर जाँच हो, उनकी प्रॉपर जानकारी भी कौन बंदा कहाँ से आ रहा है। फिलहाल हमने ये भी ज्ञापन में सौंपा था कि जो बाहर से बंदे आ रहे हैं इन्हें होम क्वारंटाइन ना किया जाए, सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए ताकि लोगों में किसी तरह का कोई भय ना हो। परंतु इनके जो ढीलापन है और जो सुस्त रवैये के कारण आज करसोग में जो महामारी फैल रही है। करसोग के विधायक हीरा लाल ने भी लोगों से अपील की है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकलें, सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करें ताकि इस वायरस के प्रभाव से बचा जा सके। पॉजिटिव मामले आए हैं और जिन्हें मेडिकल कॉलेज ने चौक में रातों रात ही पहुंचाया गया प्रशासन के माध्यम से, और हमने आदेश दिए कि भी प्रशासन पूरे बाज़ार को सैनिटाइजर करें। अभी तक बाज़ार बंद है और सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के पूरे बाज़ार में सैनिटाइजर किया गया, पूरे शहरों में, पूरे सड़कों में, पूरी गाड़ियों में सैनिटाइजर किया गया ताकि इस वैश्विक महामारी से इसे बचा जा सके। और मैं आग्रह करना चाहूँगा करसोग की जनता से, करसोग के लोगों से कि आप सभी भाई बहनों से कि बाज़ार में कभी आए अगर कोई बहुत आवश्यक काम हो। ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। दोष किसे दे, विभाग या सरकार को सुनने वाला कोई नहीं। लोग चिल्लाते रहते हैं और सरकार आश्वासन देकर पीछा छुड़ा लेती है। क्षेत्र की सड़कों में समय रहते विभाग निकासी की नालियां नहीं बना पाया। अब भारी बरसात में पता नहीं चलता कि सड़क में नाला है या नाले में सड़क। दोष किसे दें, विभाग या सरकार को सुनने वाला कोई नहीं। लोग चिल्लाते रहते हैं, सरकार और विभाग प्रक्रिया का रोना रोते रहते हैं और आश्वासन देकर पीछा छुड़ा लेते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। क्षेत्र की सड़कों में समय रहते विभाग निकासी की नालियां नहीं बना पाया। अब भारी बारिश में पानी सड़कों में बहता रहा, पता ही नहीं चल रहा था कि नाले में सड़क है या सड़क में नाला। यही नहीं, सड़कों में जहां नवनिर्मित पुलियां बना दी गई हैं पर साथ की सड़क की भराई करना भूल गए। दर्जनों पुलियां धस गई हैं, सुनने वाला कोई नहीं। जहां खड़ा पानी पुलिया के साथ राहगीर और वाहनों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा था। ग्रामीण सड़कों की हालत काफी दयनीय है। एक और विभागीय लापरवाही, ऊपर से स्थानीय लोगों ने सड़क सिकोड़ दी है और सड़क के बीचों बीच नालियां बना दी हैं। ग्रामीण सड़कों में नाली ना होने से बरसात का पानी जहां घरों में घुस गया, वहीं धान की फसल को भी पानी बहाकर ले गया। आलम यह था कि बारिश के चलते सड़कों में पानी लबालब था। जमीन रेखाएं लापरवाही के चलते दयनीय हालत में है। सरकार और विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ENTV के लिए अंद्रेटा से पी कटोच की रिपोर्ट।
कोरोना पॉजिटिव ठेकेदार के संपर्क में आने से जल शक्ति विभाग करसोग में हड़कंप मच गया। अधिकारी और कर्मचारियों समेत 6 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उपमंडल करसोग के जल शक्ति विभाग कार्यालय में पहुंचे कोरोना पॉजिटिव ठेकेदार की सूचना मिलने के बाद जल शक्ति विभाग में हड़कंप मच गया। जैसे ही प्रशासन को कोरोना पॉजिटिव ठेकेदार की सूचना मिली, प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 6 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया। ये मामला तब उजागर हुआ जब इस ठेकेदार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। प्रशासन ने छानबीन के दौरान ये भी पाया कि 22 और 23 तारीख को ये ठेकेदार दूसरे क्षेत्र से जल शक्ति विभाग के कार्यालय करसोग में आया था। इस विषय में जानकारी देते हुए एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि प्रशासन के 6 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। अब इनकी कोरोना सैंपलिंग की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये भी पता किया जाएगा कि ये व्यक्ति करसोग में किसी अन्य लोगों के संपर्क में तो नहीं आया है। पिछले कल मंडी में 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो पॉजिटिव आए और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जब की गई तो पुलिस से ये रिपोर्ट आई कि वो आईपीएच विभाग जो हमारा करसो का यहाँ पर विजिट किया था उन्होंने 22 और 23 को। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की गई तो उसमें बहुत सारे हमारे आईपीएच विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो उनके संपर्क में प्राइमरी कॉन्टैक्ट के रूप में आए हैं। तो एहतियात के तौर पर सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आप होम क्वारंटीन रहे और जब तक सैंपलिंग नहीं होती है किसी से ना मिले, और जैसे सैंपलिंग होती है और रिपोर्ट्स आती है तो उसके बाद उसके अनुसार। ईएनटीवी के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। राजेंद्र गर्ग के मंत्री बनने पर सदर महिला मोर्चा ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। पूरे बिलासपुर जिला में राजेंद्र गर्ग के मंत्री बनने से लोगों में खुशी की लहर है। सदर महिला मोर्चा ने विधायक राजेंद्र गर्ग द्वारा मंत्री बनने और महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति विभाग मिलने पर खुशी जाहिर की है। सभी महिलाओं ने बिलासपुर सदर में लड्डू बांटकर इस खुशी को दुगना किया। पूरे बिलासपुर जिला में राजेंद्र गर्ग के मंत्री बनने से लोगों में खुशी की लहर है। बिलासपुर जिला में जगह जगह जश्न मनाया गया। बिलासपुर सदर में महिला मोर्चा ने नड्डा और गर्ग के नारे से पूरा बिलासपुर सदर गूंज उठा। साथ में महिला मोर्चा ने समस्त कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 10,435 वोटों से जीतकर विधायक बने गर्ग को मंत्री पद मिलते ही घुमारवी के साथ साथ बिलासपुर में भी खुशी की लहर है। कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए परम श्रद्धे सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का व संगठन मंत्री पवन राणा जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश का और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जग प्रकाश नड्डा जी का, अनुराग जी का और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आदरणीय गर्ग जी को मंत्री पद से नवाजा है। उसके लिए मैं समस्त जिला बिलासपुर की मातृशक्ति की ओर से, अपनी ओर से नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। कि महिला मोर्चा की तरफ से माननीय राजेंद्र गर्ग जी को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, संगठन मंत्री पवन राणा जी, प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी व अन्य शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बिलासपुर की जनता का ध्यान रखते हुए गर्ग जी को मंत्री पद प्रदान किया। समस्त जिला बिलासपुर कार्यकारिणी की ओर से आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश के भाजपा संगठन मंत्री आदरणीय पवन राणा जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के
ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद व आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमारे जिला बिलासपुर के स्वच्छ छवि वाले लोकप्रिय कर्मठ ऊर्जावान शिक्षाविद अनुभवी विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र गर्ग जी को हिमाचल के कैबिनेट विस्तार में अहम जिम्मेदारी दी है। इससे पूरे जिले में जश्न का माहौल है और महिला मोर्चा इसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। ईएनटीवी के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। महादेवा के बाद तेरी याद के साथ लौटा आकर्षण। जी हाँ, ऊपरी शिमला की शायरकोटी घाटी में शूट आकर्षण पराशर का वीडियो गाना तेरी याद लोगों को रोमांचित कर रहा है। ऊपरी शिमला की मनोहरी शायरकोटी घाटी में शूट आकर्षण पराशर का वीडियो गाना लोगों को रोमांचित कर रहा है। अगर आप में प्रतिभा है तो उसे उभारना जरूरी है, फिर रास्ते कितने भी सख्त हों, आपके जिद्दी इरादे कुछ भी करने की कुव्वत रखते हैं। जिला चंबा के चुआड़ी उपमंडल के युवा आकर्षण पराशर ने पहला वीडियो गाना रिलीज किया है। दिवंगत हिमाचली गायक शेर सिंह के खूब चले गाने बस्सा च आईयो तेरी याद को आकर्षण ने अपने साथियों जय स्नेही और नीरज कुंड समेत ये गाना गाया है। पहाड़ी गायकी का पुराना हिट गाना अब फिर से नए अंदाज में धूम मचाने को तैयार है। हालांकि आकर्षण ने इस गाने के लिरिक्स समेत धुनों में ज्यादा बदलाव नहीं किया है। आकर्षण इससे पहले महादेवा गाना गा चुके हैं, जिसे काफी सराहना मिली थी। चुआड़ी के वार्ड नंबर 6 के निवासी आकर्षण शिमला में निजी जॉब के चलते रहते हैं। गायकी के शौक के चलते साथ मिला तो महादेवा गाना गाया, जिसे खूब सराहना मिली। आकर्षण ने अब अपना पहला वीडियो गाना रिलीज किया है। महरूम पहाड़ी गायक शेर सिंह के तेरी याद गाने को उन्होंने फिर से ताजा किया है। ईएनटीवी के लिए चंबा से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। नौजवान सभा बागड़ा थाच द्वारा चलाए जा रहे पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत विभिन्न युवक मंडलों के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत विभिन्न पौधे रोपे गए। नौजवान सभा बगड़ा थाच द्वारा चलाए जा रहे पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत आज रुडन थाच और पांगना गांव के साथ लगते जंगलों में विभिन्न युवक मंडलों के सहयोग से पौधे रोपे गए। नारायण क्लब रुडन और ग्रामीणों ने नौजवान सभा के इस अभियान में सहयोग दिया। सभा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना भी की। बता दें कि नौजवान सभा ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत 5 जून से की थी और बगड़ा थाच पंचायत में 2000 पौधे रोपने का लक्ष्य नौजवान सभा ने रखा है। नौजवान सभा का कहना है कि आज के दौर में पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है, जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हम सबका जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ऐसे कामों में आगे आना चाहिए जिसमें लोगों का भला हो, जिससे लोगों का जीवन बेहतर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, ईएनटीवी। तो इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है entvhimachal, आपका प्रदेश आपकी बात।